बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आज हम करेंगे आपकी इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 4, पेज नंबर 14, यानी 1 एंड 4। सी वर्क डे टू डे आपने लिखते हैं, सिंगुलर प्लुरल करेंगे आज। रीड आउट करते हैं। अ नाउन इज सेड टू बी अ सिंगुलर व्हेन इट रेफर टू वन थिंग, इट सेड टू बी अ प्लुरल व्हेन इट रेफर टू मोर देन वन थिंग। जब नाउन, टाइगर एक नाउन है, जब एक नाउन की बात की जाएगी तो हम कहेंगे सिंगुलर है। अगर ज़्यादा नाउन की बात की जाएगी, यानी कि टाइगर ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, ये प्लूरल है। ठीक है, उर्दू में इसे वाहिद और जमा कहते हैं। वन मैनी, मोर देन वन नहीं, ठीक है, ये मैनी है, ये वन है। नेक्स्ट करते हैं, वी कैन मेक प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस टू द नाउन। कहते हैं जब भी हमने प्लूरल बनाना होता है तो हम नाउन के साथ क्या लगा देते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं। जैसे बुश है तो उसके साथ हमने एस या ई एस लगाया है, ठीक है, तो क्या बन गया, ये प्लूरल फॉर्म बन गई है। टाइगर था तो टाइगर के साथ हमने क्या लगाया, एस लगाया, तो क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ सिंगुलर प्लूरल दिए हुए हैं। वन मैनी, वन का मतलब है एक, ये सिंगुलर, मैनी का मतलब प्लूरल यानी ज़्यादा, वन और मैनी है। रीड आउट करते हैं। टेबल टेबल्स, बॉय बॉयज, काउ काउज, कार कार्स, गर्ल गर्ल्स, क्लास क्लासेस, फॉक्स फॉक्सेस, पोटैटो पोटैटोज, बुश बुशेस, डिश डिशेस। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 15 है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट द रॉन्ग वर्ड्स इन योर नोटबुक। कहते हैं यहाँ पे कुछ रॉन्ग वर्ड्स दिए हुए हैं। रॉन्ग वर्ड्स एक सेंस में दिए हुए हैं कि अगर तो वो सिंगुलर है तो उसको प्लूरल कर दें, अगर प्लूरल है तो सिंगुलर कर दें। रीड आउट करने के बाद कि पैसेज में क्या बात की जा रही है। जैसे वन फाइन इवनिंग अ यंग प्रिंसेस पुट ऑन हर हैट्स, नहीं पुट ऑन हर हैट, एक यंग प्रिंसेस ने अपनी हैट ली है, ठीक है, हटाई है। एंड वेंट फॉर अ वॉक इन अ नियर बाय वुड्स, शी वॉज होल्डिंग हर फेवरेट टॉयज, या टॉय, उसने अपना फेवरेट टॉय लिया साथ अपने, एस काट देंगे। अ गोल्डन बॉल, ये एस काट देंगे। विच शी लाइक थ्रोइंग अप इन द एयर एंड कैचिंग बिफोर इट फेल, एट वन टाइम शी थ्रो इट सो हाई अप इन द एयर दैट शी कुड नॉट कैच इट, द बॉल्स, नहीं बॉल, एक बॉल को उसने हवा में फेंका है, फेल इनटू द वाटर। द प्रिंसेस सैट इन द कॉर्नर कॉर्नर वीपिंग, हाउ आई विश समवन कुड हेल्प मी गेट द बॉल, ही लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, एक इसका बॉल को मैं, आई शैल गिव द गिव दैट पर्सन, नहीं द पर्सन है, ठीक है, एस कर देंगे। ऑल माई फाइन ज्वेलरी शी सेट अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट की तरफ। आपने बस इसके आगे से जो एस लगे हुए हैं वो रिमूव कर देने हैं और इसके ऊपर ऐसे लिख देना, जैसे मैंने लिखा है हैट लिखा है, टॉय लिखा है, बॉल लिखा है, बॉल लिखा है, और ये पर्सन लिखा है। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन। अब इस ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए हैं, हमने करेक्ट वर्ड चूज करके लिखना है कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। रीड आउट करते हैं। मैरी साहब मैनी डैश इन हर ड्रीम एंजल्स, बहुत ज़्यादा उसने एंजल्स देखे थे, यानी फ्रिश्ते देखे अपनी अपने ख्वाब में। लंदन मैस्को एंड टोरंटो आर नेम्स ऑफ सिटीज, तीन सिटीज़ हैं, यानी मैनी है, ज़्यादा ज़्यादा है तो ई एस वाला आ गया, आई एस वाला, ठीक है। मदर गिफ्टेड मी अ पीटी डॉल, मदर ने मुझे गिफ्ट किया है पीटी डॉल और फॉर माई बर्थडे। हेलन वांटेड टू हेल्प हर मदर सो शी वॉश्ड ऑल द डिशेज, ज़्यादा मतलब उसने डिशेज वॉश की हैं। आफ्टर द पार्टी आर स्कूल क्रिकेट टीम वन मैच, थ्री मैचेस, थ्री है, मैनी की बात हो रही है तो मैचेस आ गए, ई एस लगा दिया, अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन टीम, ठीक है, ये भी आपने कर लेना है। पार्ट सी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे फोर ब्लैंक्स हैं लेकिन वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। वो कहते हैं जो सूटेबल वर्ड है वो आपने इसके अंदर पुट करना है, जरूरी नहीं कि सारे वर्ड यूज़ होंगे, ठीक है। दिस स्टोरी बुक हैज़ कलरफुल पिक्चर्स, दे वर मैनी फूड स्टॉल्स एट द फेयर, वी डिसाइडेड टू स्पेंड 15 ईयर्स इन यूरोप, रेड राइडिंग हुड टुक अ बास्केट ऑफ फ्रूट फॉर हर सिक ग्रैंड मदर, ठीक है। इस तरह आपका पेज नंबर 15 भी हो गया। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पेज नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पिक्चर्स बनी हुई हैं। यहाँ 5 सेंटेंसेस हैं इस पेज पे और पिक्चर्स के थ्रू हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से क्या बात की जा रही है, या आप सेंटेंस को रीड आउट करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ वाइट वंडर्ड अबाउट इन द फॉरेस्ट, मैंने ये लिख दिया फॉरेस्ट, ठीक है, ये फॉरेस्ट में है। लेट अस नाउ जस्ट देन शी सॉ द स्मॉल कॉटेज, उसने घर देखा है, ठीक है, ये मैं सेकंड नंबर लिख दिया ऊपर। When she reached that cottage, she knocked on the door. डोर पर नॉक करी तो मैंने डोर लिख दिया। She gave that
gave the door a little push. It opened. Snow White walked it in. She saw a table let out of seven people. There were seven chairs and seven soup bowls. सेवन चेयर उसने देखी यहाँ पे और सेवन सूप बॉल्स देखे, तो यहाँ पे ये लिख दिया शी सेट ऑन द चेयर एंड ड्रैंक द सूप। यहाँ ख़त्म हो गई आपकी आज लेसन नंबर, आपका जो था ये लेसन नंबर 4, ये आज आपका कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 14, 15 एंड 16 ये आपने बुक पे करना है।